नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों अभी SSC के एग्जाम चल रहे हैं, पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, स्टेट में और भी कई एग्जाम जो 2020 में होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का पार्ट 10 में लेकर आया हूँ। इसके पहले के पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वाइज दे दिए गए हैं, आप लिंक पर क्लिक करके इससे पहले वाले पार्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों कलाम साहब की एक बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा था सफलता मेहनत से ही मिलती है, चीज़ों को टालना आपके लिए जहर हो सकता है। ये उस खरगोश के लिए काफ़ी अच्छी बात थी जिसने कछुए से तेज भागने के चक्कर में कि मैं रुक जाऊंगा और बाद में तेज दौड़ लगा लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, उसका आलस उसको खा गया। और वही आजकल के स्टूडेंट कि मुझसे सब बनता है, एग्जाम के दो दिन पहले ही पढ़ लूंगा तो मेरा पेपर निकल जाएगा। दोस्तों ऐसा आलस मत करिए, अगर आप ये सेट पेपर देख रहे हैं तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिए और चेक करिए क्या जनरल अवेयरनेस आपसे बन रहा है या वाकई में आपके दिमाग में उसी खरगोश वाली इमेज आपने बना के रखी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं, आपसे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर दीजिएगा, नहीं बनते आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत सन 2013 से हुई थी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी बताइए, राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, तो इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत सन 2008 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो चीन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है, अर्थात चीन को सबसे ज्यादा देशों की सीमाएं छूती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राइट आंसर क्या है। चीन हाइलाइटेड है, सब कुछ चीन के बारे में पढ़ लो, एग्जाम वाले पूछ के आपसे चीन की सारी जानकारियां निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाल मुकुट वाली क्रेन जो है चीन का राष्ट्रीय पक्षी है, ऑप्शन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SSC के लिए रामबाण है ये सेट पेपर, जो भी आपके दोस्त SSC की तैयारी कर रहे हैं लिंक शेयर कर देना, दुआएं देंगे आपको। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो ब्लड मून शब्द का प्रयोग चंद्रग्रहण से करते हैं, चंद्रग्रहण के समय जब चंद्रमा ब्लड के समान, एकदम ब्लड के समान नहीं लेकिन लाल रंग का हो जाता है ग्रहण के कारण, उस घटना को ब्लड मून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर वैज्ञानिक शब्दों कॉन्स्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में किस शब्द का प्रयोग करते हैं बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आईसो का प्रयोग करते हैं। कॉन्स्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को प्रयोग करने के लिए, वर्णित करने के लिए आईसो शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था, भारत रत्न सुना है आपने, श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था बताइए, राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरसिम्हन राव जी ने सबसे पहला श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है इतिहास स्क्रीन पर, निम्न में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता था, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता था। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसकी लिंक आपको हमारे इस चैनल के होम पेज पर मिल जाएगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके होम पेज पर विजिट करके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। रोज सुबह 7 बजे से जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूँ। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड अदर राइटिंग पुस्तक के लेखक कौन है, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है आंग सान सू की, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 2018 में एशिया प्रशांत सीट के लिए 18 सदस्यीय समिति CESCR के लिए किसका चयन किया? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रीति सरन। क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, बहुत हाईलाइट हुई थी ये जब इसमें सदस्य के रूप में चयनित हुई थी। और भारत की किसी महिला के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय जगह पर, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कोई जगह मिलती है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है बताइए। साइनाइड को रासायनिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं, तो साइनाइड को रासायनिक क्यूप्रिक, माफ करिएगा, प्रुसिक एसिड कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, साइनाइड को रासायनिक भाषा में प्रुसिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दुनिया भर में तेजी से साइकिल चलाने वाला एशियाई बना था? सन 2018 की बात है ये, बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदांगी कुलकर्णी। 2018 में एशिया में सबसे ज्यादा तेज साइकिल चलाने वाली एशियाई बनी थी। 2019, 2020 और आपका 2018 के स्टार्टिंग के लास्ट के 6 महीने ये करेंट अफेयर्स होते हैं, फिर बाद में वो आपका जनरल अवेयरनेस बन जाता है। तो याद करके रखिएगा, किसी भी सन का कोई भी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में आ सकता है, सब चीज़ जनरल अवेयरनेस होती है 1.5 से 2.5 साल छोड़ के। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में स्थापित हुआ था। सभी विश्वविद्यालयों को सर्टिफिकेट देने के लिए लाइसेंस देता है कि अगर वो कोई भी कोर्स करा रहे होते हैं तो उस कोर्स के लिए लाइसेंस इसी UGC संस्था से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 2018 में कैटरीना ग्रे को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया, किस देश से थी ये बताइए। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस की थी। 2018 में कैटरीना ग्रे को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था, फिलीपींस के थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और SSC में है ना 2-2.5 साल पुराना ही करंट अफेयर्स पूछते हैं, तो SSC के एग्जाम जो भी दे रहे हैं वो ये क्वेश्चन साइड पेपर 2-3 बार रट लेना। वर्ष डैश में वर्मा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना, वर्मा जो है जिसको आप म्यांमार आप कहने लगे हैं, किस सन में स्वतंत्र गणराज्य बनकर उभरा? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो 1948 इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर यह समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ स्क्रीन पर। स्कॉटलैंड के रोज लिंग इंस्टीट्यूट में बनाया गया डॉली नाम का पहला जीव क्लोन क्या था? स्कॉटलैंड में एक क्लोन बनाया था, आपने कई साल पहले ये क्वेश्चंस पढ़ा होगा, सबसे पहला क्लोन डॉली नाम का बना था, ये किसका क्लोन था? तो ये एक भेड़ का क्लोन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भेड़ का क्लोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भेड़ का क्लोन किस देश में बना और किस यूनिवर्सिटी में बना, तो एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित करने को एक शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 331। मुझे पक्का यकीन है कई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को दोबारा तिवारा चौबारा बिल्कुल जितनी बारा देखना हो आप देख के अपने इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं बताओ। भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने हैं?
हालांकि संख्या बढ़ती रहती है इसकी, तो आप एक बार जब भी आपका पेपर हो अगले महीने, आज या कल, आज तो आप इसी को याद करके रखिए, आगे एक बार सर्च जरूर कर लीजिएगा कि कहीं किसी और हवाई अड्डे को सर्टिफिकेट तो नहीं मिल गया इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए, ठीक है। तो इस अभी तो है इसका 17 आंसर सही हो जाएगा, बढ़ती है तो हम जरूर बता देंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या कहलाता है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता, जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधन जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्य को क्या कहते हैं, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उनको बोलते हैं वास्तविक लागत, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो रक्तचाप को मापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला शुरुआत कहां पर हुई, बताइए। जामदानी बुनाई, जैसे मधुबनी कला होती है वैसे ये जामदानी कला है, कहां से शुरू हुई थी बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश की कला है ये, ऑप्शन नंबर दो क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मित्र मेला, मेले बहुत से लगते हैं, आपको बताना है मित्र मेला वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, भैया ये मेला नहीं है ये एक संगठन है, मित्र मेला वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, इस संगठन को सावरकर के द्वारा कब स्थापित किया गया था। देखो नाम मित्र मेला है, अगर ना पता हो तो मेला लगा के आ जाएं कि इस शहर में मनाया जाता है, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन होते हैं भैया, पढ़ लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जब सरकार का कुल व्यय कुल राजस्व उधार से प्राप्त धन को छोड़कर से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं, कुल व्यय कुल राजस्व से अधिक होता है तो उसे क्या कहेंगे बताइए। चलिए देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था, बताइए। चलिए देखते हैं, तो 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था, हवा महल भारत के किस राज्य के किस शहर में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 जुलाई 2018 को भारत के उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस डैश, उनका नाम क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात NGT अर्थात ग्रीन ट्रिब्यूनल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदर्श कुमार गोयल, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वह व्यक्ति है जिसने फिनलैंड के होलसिंकी में या हेलसिंकी में आयोजित 38th नंबर के मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता, बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हुसामुद्दीन, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत की सबसे लंबी नदी यहां पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्यांगजे नदी, कौन सी नदी है, त्यांगजे नदी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, त्यांगजे नदी। दोस्तों ये लंबी नदियां और छोटी नदियां ऐसा नहीं है जो आपने रट्टा मार के रखा है कि वही आंसर होगा, ऑप्शन के हिसाब से देख लिया करो कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सी नदी कितनी लंबी है, सबकी लंबाई याद करके रखा करो,
नहीं तो अगर रट के रखा है कि यही नदी लंबी है, और अगर वो ऑप्शन में ना हो तो दूसरा कोई आंसर हो भी सकता है, ये भी आप सोच के चला करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश को उनकी एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का नोबल का पुरस्कार मिला था। आपको बताना है एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलहेम रॉन्टजेन। ऑप्शन नंबर दो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, एक्सरे की खोज रॉन्टजेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियरे क्यूरी ने हेनरी बैकरल और अपनी पत्नी मैडम क्यूरी के साथ में मिलकर कौन सी खोज की थी जिसके लिए 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो धर्मिता की खोज की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प औपनिवेशिक काल के भारत के व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रखता था बताइए। राइट आंसर क्या है, उपनिवेश काल जब था तो भारत के व्यापार में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता था, तो राइट आंसर हो जाएगा निर्यात। सबसे ज्यादा भारत में निर्यात होती थी चीजें, भारत से मसाले और अन्य चीजें विदेशों में भेजी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाला उसका पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसे जहांगीर की उपाधि मिली थी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब सबसे अच्छी वास्तुकला विक्टोरिया महल कौन से, विक्टोरिया मेमोरियल कौन से शहर में है। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है विक्टोरिया मेमोरियल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला था। राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो न्यूरॉन मतलब स्नायु तंत्र, स्नायु तंत्र के लिए सेंटियागो रेमन वाई केजल के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सबसे पहले वाले नोबेल पुरस्कार हैं जो स्टार्टिंग में नोबेल पुरस्कार मिले थे, ये वो वाले हैं। अभी के तो चलो सबको याद है 2020, 2019, 2018, 2017, लेकिन स्टार्टिंग वाले जो हैं ये बहुत रेयर मिलते हैं। इनको लिख के रखिए, कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कहीं इंटरव्यू में पूछ लें आपसे, तो इसीलिए लिख के रखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार आपको बताना है 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष जो कि 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7% से घटाकर फिच ने कितनी कर दी थी बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.8% कर दी थी, और ये रेटिंग अब और डाउन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है बताइए, राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेन्यूब नदी, क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये टेस्ट पेपर जनरल अवेयरनेस, साइंस और करंट अफेयर्स का परफेक्ट मिक्सचर है। अगर आपने इन तीनों सेट पेपर्स को, इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ के रखा है तो ही आपके इस टेस्ट पेपर में अच्छे नंबर आ रहे होंगे। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो बढ़िया नोट्स बनाओ और वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लो। और जिनका SSC का एग्जाम है उनके लिए तो पहले ही इस सेट पेपर को सबसे पहले शेयर कर दो जिससे वो भी पढ़ लें, दुआएं आपको ही मिलेंगी। 1975 से 77 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। द सन, द अर्थ एंड द वेदर विषय के साथ 23 मार्च को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। हर साल 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौसम विज्ञान मनाते हैं। आने वाला है 23 मार्च, पहले से बता दिया है, मौसम विज्ञान मनाते हैं। मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर साल 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, राइट आंसर क्या है। दो दो क्वेश्चन एक ही आंसर,
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा जे थॉमसन। कब करी थी? 1897। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसकी की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कब आएगा? सभी एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हुमायूं के उत्तराधिकारी वो कौन था जिसका जन्म हुमायूं के निर्वासन, मतलब जब हुमायूं जो था अपने क्षेत्र से बाहर निर्वासित कर दिया गया था उस समय 13 वर्ष का था, उसके पिता की मृत्यु भी हो गई थी। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? जब हुमायूं निर्वासित था, मतलब वो अपने राज्य से बाहर था, और 13 वर्ष की उम्र में जब वो अकबर आया तब हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो ये दोनों कारण अकबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ यानी कि फिजिकल केमिस्ट थे जिन्हें डैश तत्व की खोज के लिए उनका नामकरण करने का मौका मिला। उन्होंने कौन से तत्व की खोज की थी जिसका नाम उनके नाम पर किया गया? राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थैलियम, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने थैलियम तत्व की खोज की और उनका नामकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वें जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के 3 कांस्य पदक विजेता थे, उनमें से कौन इनमें से नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 कांस्य पदक विजेता हैं, 1 विजेता नहीं है, वो कौन है बताओ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनेश डागर नहीं है, बाकी नवीन कुमार, सुमित सांगवान, सचिन सिवाच, इन तीनों को ही 38वें जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के उत्तराधिकारी या अधिकारी कमांडर डैस 1 जुलाई 2018 को फ्रांस में लेस सबलेस डी ओलाने हार्बर से शुरू हुई प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस में भाग लेने वाले एकमात्र एशियाई बने। बताओ भारत की नौसेना का अधिकारी कौन था जिसने विदेश में हो रही इस स्पर्धा में अधिकारी के रूप में भाग लिया, पहला एशियाई? राइट आंसर क्या है बताइए? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अभिलाष टॉमी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डैश व संविधानिक संशोधन यानी कि वो कौन सा संविधानिक संशोधन अधिनियम था जो 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करवाया? राइट आंसर क्या बताइए? किस संशोधन के तहत शिक्षा अनिवार्य कर दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 2। और ये आपके पास अगला क्वेश्चन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर 23 मार्च को क्या मनाया जाता है बताइए? चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहीद दिवस मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 3। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं, राइट आंसर क्या है बताइए? चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां के काल की उपलब्धियां हैं। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट। अगर आपने कम से कम 40 प्लस नंबर गेन किए हैं तो नौकरी पक्की, अगर उससे कम है तो थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए फिर पक्की, अगर उससे भी कम है तो थोड़ी थोड़ी मेहनत और करिए पक्की ज़रूर हो जाएगी। वीडियो को जो भी आपने देखा है अपने दोस्तों को लिंक शेयर करके अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँचाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, रोज़ सुबह 7 बजे से लाइव क्लास होती है जनरल अवेयरनेस की, जनरल नॉलेज की। चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु 2.0 सब्सक्राइब करिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके होम पेज पर जाकर हमारे दूसरे चैनल को भी लिंक देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल पर दिन भर में 3 वीडियो अपलोड होते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक 10 बजे सुबह और एक शाम को 7 बजे। अभी ये 10 बजे वाला वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, इन सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करके आप वो भी वीडियो देख लीजिएगा। 7 बजे वाला भी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सजेस्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।